नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर विशाल गोयल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सरिये के यानी कि स्टील रिइंफोर्समेंट के 75 ऐसे बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो हर सिविल इंजीनियर को जरूर पता होने चाहिए, चाहे आप कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्किंग हो, ऑफिस में वर्क कर रहे हो, या फिर जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है स्टडी कर रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप फ्री भी हो फिर भी स्टील रिइंफोर्समेंट की बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो आप हमें बताओगे अपने कमेंट करके वीडियो देखने के बाद। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसका पीडीएफ लिंक कहां से डाउनलोड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बचाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, कंक्रीट कवर फॉर रिइंफोर्समेंट। तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर के रिइंफोर्समेंट कंक्रीट कवर के बारे में जरूर पता होना चाहिए, मींस किस स्ट्रक्चरल मेंबर में कितना कवर देना है। जैसे फुटिंग में हमेशा 2 इंच और 50 एमएम कवर दिया जाता है, कॉलम में 1.5 इंच और 40 एमएम कवर दिया जाता है, बीम में 1 इंच और 25 एमएम, स्लैब में 20 एमएम और स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के रिइंफोर्समेंट में भी 20 एमएम का कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया जाता है। यह सभी कंक्रीट कवर आपको याद होने चाहिए। सेकेंड, वेट ऑफ स्टील बार पर रनिंग मीटर, यानी कि आप स्टील बार का पर मीटर वेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सरिये का वेट अगर आपको केजी में कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162.2, इससे सरिये का पर मीटर का वेट कैलकुलेट होगा केजी में। और अगर वेट फीट में कैलकुलेट करना हो तो फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे डी स्क्वायर डिवाइड बाय 533, इससे सरिये का पर मीटर का वेट फीट में कैलकुलेट होगा। थर्ड, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एमएस बार। अगर आपसे कोई पूछे या इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि एक एमएस बार की स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि एक एमएस बार की फुल लेंथ होती है 40 फीट की, यानी कि 12 मीटर, यानी कि एक बार की स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर फोर, यहां डिफरेंट टाइप्स के स्टील बार की कुछ फुल फॉर्म है जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जैसे टीएमएक्स जिसकी फुल फॉर्म होती है थर्मेक्स पावर्ड बार, सेकेंड है एसडी सुपर डक्टाइल बार्स, थर्ड HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, और फोर्थ है CTD जो होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बार होते हैं, ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर फाइव, टाइप्स ऑफ स्टील बार्स। तो बेसिकली दो टाइप्स के स्टील बार होते हैं, पहला है माइल्ड स्टील जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, और सेकंड है HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इसमें भी दो टाइप्स के बार होते हैं, पहला Fe 415 जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, और दूसरा Fe 500 जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। नंबर सिक्स, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार इन ए कॉलम, मींस एक कॉलम में कम से कम कितने नंबर ऑफ बार होने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक स्क्वायर शेप कॉलम में हमेशा कम से कम 4 बार होने चाहिए, और एक राउंड शेप कॉलम में कम से कम 6 बार, इससे कम बार इन कॉलम में नहीं रखने चाहिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। नंबर सेवन, रिक्वायर्ड बाइंडिंग बार, मींस एक टन स्टील रिइंफोर्समेंट की बाइंडिंग करने के लिए आपको अप्रोक्स 7 से 13 केजी तक बाइंडिंग वायर लगती है। तो ये जो वेरिएशन है ये डिपेंड करती है स्टील बार के डाया पर, तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर एट, चेयर, मींस चेयर बनाने के लिए आपको कभी भी 12 एमएम से कम डाया का बार यूज नहीं करना है, यह बात भी आप याद रखें। नंबर नाइन, चेयर, मींस आपकी दो चेयर की जो मैक्सिमम दूरी रहेगी वह 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको हर एक स्क्वायर मीटर में एक चेयर प्रोवाइड करनी होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, नंबर 10, यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया है पर मीटर वेट कैलकुलेट करने का, वैसे तो आप उस फॉर्मूले से किसी भी बार डाया का पर मीटर वेट कैलकुलेट कर सकते हो, पर फिर भी डिफरेंट बार्स का यूनिट वेट आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 6 mm बार का यूनिट वेट होता है 0.222 केजी पर मीटर का, 8 mm का 0.395 केजी, 10 mm का 0.616 केजी, 12 mm का 0.888 केजी, 16 mm का 1.578 केजी, 20 mm का 2.466 केजी और 25 mm का 3.853 केजी, ये इनका पर मीटर का वेट होता है, आप इन यूनिट वेट्स को जरूर याद कर लें। नंबर 11, सीसी, जिसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। आपने अक्सर सीसी के बारे में सुना होगा या ड्राइंग में पढ़ा होगा, इसका यही मतलब है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये वाला। नंबर 12, DL का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, ये वाली लेंथ। नंबर 13, TMT का मतलब होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, ये टर्म्स भी आपको हमेशा सुनने को मिलेंगी, TMT। नंबर 14, जो कॉलम में रिंग्स दी जाती हैं, उन्हें टाइज बोला जाता है,
पर जो बीम में हम रिंग प्रोवाइड करते हैं उन्हें स्टीरअप्स कहा जाता है। तो बेसिकली स्टीरअप्स और टाइज में यही डिफरेंस है, ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखें, जो इंटरव्यू में भी ज्यादातर ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है। 16th पॉइंट ये है कि स्लैब में कभी भी 8 mm से कम का बार डाया यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 17, कॉलम में कभी भी 12 mm से कम बार का डाया यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉलम में मैक्सिमम 50 mm का डाया बार यूज किया जा सकता है, कॉलम में 50 mm से ज्यादा का बार डाया यूज नहीं करना है। नंबर 19, कई बार हमसे यह भी पूछ लिया जाता है कि रिइंफोर्समेंट में कवर ब्लॉक्स क्यों यूज किए जाते हैं। तो गाइज, मेनली इसके 3 रीजन है। पहला तो शटरिंग और रिबार्स के बीच एक यूनिक यानी कि एक जैसा स्पेसिफाइड डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, दूसरा हमारे स्टील यानी कि सरिये को जंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, और तीसरा स्टील बार्स को थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो मेनली ये 3 कारण है स्टील रिइंफोर्समेंट में क्लियर कवर प्रोवाइड करने के। नंबर 20, प्लिंथ बीम रिइंफोर्समेंट। गाइज, आप हमेशा यह ध्यान रखना कि प्लिंथ बीम के बॉटम में हमेशा कम से कम 12 mm का सरिया यूज होना चाहिए, इससे कम डाया का बार प्लिंथ बीम के बॉटम में यूज नहीं करना है, और प्लिंथ बीम के टॉप में कम से कम 10 mm का स्टील बार, यानी कि प्लिंथ बीम के बॉटम में 12 mm से कम और टॉप में 10 mm से कम डाया का बार यूज नहीं करना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें। नंबर 22, मिनिमम कॉलम साइज एंड रिइंफोर्समेंट। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है आरसीसी कॉलम का मिनिमम साइज 9 इंच बाय 9 इंच या 230 बाय 230 mm से कम नहीं होना चाहिए, इससे कम साइज का कॉलम कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, और कॉलम में कम से कम 4 नंबर ऑफ बार होने चाहिए। नंबर 23, आरसीसी कॉलम में जो आप कंक्रीट यूज करते हैं उसका ग्रेड कभी भी M20 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.5-3 के मिक्स रेशो से कम का कंक्रीट मिक्स कॉलम में यूज नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर कुछ भी ग्रेड यूज करो पर कॉलम में कभी भी M20 से कम का कंक्रीट ग्रेड यूज नहीं करना चाहिए। 24, हमेशा कॉलम में जो आप रिंग्स प्रोवाइड करेंगे उन स्टीरअप्स का बार डाया एक तो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, दूसरा 2 स्टीरअप्स के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी 150 mm यानी कि 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 25, आपने अक्सर डिफ्लेक्शन के बारे में सुना होगा, तो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन का मतलब होता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। 26, कि हम सिर्फ स्टील बार को ही एज ए रिइंफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं, तो इसका सीधा सा आपको एक ही जवाब याद रखना है, क्या? बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और अगर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। 27, हमेशा ध्यान रखें कि स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg/m³। यह क्वेश्चन भी इंटरव्यू में फ्रेशर से जरूर पूछा जाता है। नंबर 28, कि स्टील बार में डिफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है, मींस जो स्टील बार के सरफेस पर ये लंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं इनका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, इसके मेनली 2 रीजन है। पहला तो कंक्रीट से स्टील बार की स्लिपिंग प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कंक्रीट से स्टील बार ना फिसले, और दूसरा कंक्रीट और स्टील के बीच बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। बेसिकली इन्हीं 2 रीजन से स्टील बार सरफेस पर डिफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। 29, अब स्टील बार्स के ऊपर इन लंग्स की हाइट क्या होनी चाहिए, तो इन लंग्स की हाइट कभी भी बार के डायमीटर से 0.04 से 0.05 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 10 mm डाया का स्टील बार है, तो इसकी लंग्स हाइट होनी चाहिए 0.04 × 10 = 0.4 mm तक। और एक और एग्जांपल ले लो, तो स्टील बार डाया है 32 mm, तो इसकी लंग्स हाइट होनी चाहिए 0.04 × 32 = 1.28 mm तक, यह भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, कभी भी स्टील बार का एंगल 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए लंग्स या रिब्स का। नेक्स्ट, एफई का मतलब होता है स्टील बार की यील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, व्हाट इज लैप लेंथ, लैप लेंथ क्या होती है, तो लैपिंग लेंथ स्टील बार की वह लेंथ होती है जो बार टू बार लोड ट्रांसफर करने के लिए और 2 स्टील बार की बॉन्डिंग के लिए यूज की जाती है, उसे हम लैप लेंथ ऑफ स्टील बार कहते हैं। और नेक्स्ट, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ, ये डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, तो डेवलपमेंट लेंथ स्टील बार के उस लेंथ को कहते हैं जो हम एक स्ट्रक्चरल मेंबर का लोड दूसरे स्ट्रक्चरल मेंबर पर ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। ये वाली लेंथ जिसे बीम का लोड कॉलम पर ट्रांसफर करने के लिए कॉलम में बेंड किया गया है, यही डेवलपमेंट लेंथ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, डेवलपमेंट लेंथ क्या रहेगी, यह मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, स्टील के ग्रेड पर, कि कौन से ग्रेड का स्टील यूज किया गया है, एफई 415, 500, 500D या 600। और सेकंड, कंक्रीट के ग्रेड पर, कि कंक्रीट किस ग्रेड का है। तो इन 2 चीजों को ध्यान में रखकर ही डेवलपमेंट लेंथ डिसाइड की जाती है, यह भी आप हमेशा ध्यान रखना। नंबर 35, 2 डिफरेंट बार्स में लैपिंग का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो यह कभी भी लैपिंग के सेंटर से 1.3 मीटर और 1300 mm से कम नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट, हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो अलग अलग डाया के बार हो तो लैपिंग करने के लिए हमेशा कम डाया के बार को ही कंसिडर किया जाता है, बड़े डाया के बार को नहीं। नेक्स्ट, दो बार की जब आप लैपिंग करते हैं तो आपके बार हमेशा टिल्ट यानी के थोड़े तिरछे बैंड होने चाहिए, प्लेन बार से लैपिंग नहीं की जाती। और नंबर 38, बार टिल्ट करने की लिमिट 75 mm या 60, 6 times डाय ऑफ बार ही होनी चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डॉल बार, हमेशा याद रखना कि डॉल बार के लिए मिनिमम बार डाया 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। और डॉल बार क्या होता है इसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, हम कंक्रीट में सिर्फ स्टील बार ही क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है पर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ की कमी को पूरा करने के लिए ही हम कंक्रीट में स्टील बार प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 41, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर क्या होती है, तो जिस 1 या 1.5 mm थिकनेस की वायर से हम दो स्टील बार्स को एक साथ टाई करते हैं हर इंटरसेक्शन पर, उसे हम बाइंडिंग वायर कहते हैं। 42, रीइंफोर्समेंट स्टील बार। हमेशा ध्यान रखना कि स्टील रीइंफोर्समेंट को ही रिबार्स के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है, जिसे हम कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर की टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट, दो इंपॉर्टेंट आईएस कोड, इन्हें आप हमेशा याद रखें। पहला IS 1786 रीइंफोर्समेंट स्टील HYSD रिबार्स का कोड, जो हमें स्टील रीइंफोर्समेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन देता है। और सेकंड, IS 2502 स्टील बार रीइंफोर्समेंट के BBS का कोड, जो हमें बताता है कि हमें स्टील बार को कैसे बेंड करना है और फिक्स करना है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चर मेंबर, के डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर में स्टील की परसेंटेज क्या रहती है। नंबर 1, फुटिंग में स्टील हमेशा कंक्रीट वॉल्यूम का 0.8% होता है, कॉलम में कंक्रीट वॉल्यूम का 2.5%, बीम में कंक्रीट वॉल्यूम का 2% और स्लैब में कंक्रीट वॉल्यूम का 1% स्टील रहता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग में कितना स्टील रिक्वायर्ड होता है पर स्क्वायर फीट एरिया में, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 4.5 kg से 4.75 kg पर स्क्वायर फीट तक स्टील रिक्वायर्ड होता है, और कमर्शियल बिल्डिंग में 5 kg से 5.5 kg तक पर स्क्वायर फीट में स्टील रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिया मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, तो बीम और स्लैब में तो टोटल ग्रोस एरिया का मैक्सिमम 4% स्टील होना चाहिए और कॉलम में ग्रोस एरिया का मैक्सिमम 6% स्टील होना चाहिए, यह बात भी आप हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपको यह ध्यान रखना है कि आपके स्टील रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ कभी भी आपकी डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ की 15% से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टील में कार्बन की परसेंटेज क्या रहती है, तो स्टील में हमेशा कार्बन 0.23% तक होता है, यह बात भी आप हमेशा ध्यान रखें, जो इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑफ फर्स्ट बीम स्टीरअप्स, हमेशा ध्यान रखना कि बीम में फर्स्ट स्टीरअप्स हमेशा सपोर्ट के 2 inch के अंदर ही होनी चाहिए। 50, नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्लियर स्पैन डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। 51, फुटिंग में कॉलम की मेन रोड का एल कम से कम 300 mm बैंड होना चाहिए, ये वाला एल बैंड। 52, रीइंफोर्समेंट वही यूज करनी चाहिए जो लूज रस्ट, कोरोजन और ऑयल वगैरह से फ्री हो। 53, कैंटिलीवर में मेन स्टील बार की एंकरेज लेंथ 69D होती है। 54, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000, स्लैब में स्टील बार का मैक्सिमम डायमीटर स्लैब थिकनेस के 1/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 55, स्लैब में मेन बार्स के लिए मिनिमम डाया HYSD बार के लिए 8 mm और प्लेन बार के लिए 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। 56, स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया 8 mm और स्लैब की थिकनेस के 1/8 से कम नहीं होना चाहिए। 57, M20 कंक्रीट के लिए लैप लेंथ होती है कॉलम में 45D, बीम में 60D और स्लैब में 60D, ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। 58, बार्स की लैपिंग हमेशा सपोर्ट्स के एंड पर प्रोवाइड करनी चाहिए। 59, लैपिंग जोन में लैपिंग में स्पेस कम रखना है, यानी ये क्लोजली स्पेस्ड होनी चाहिए। 60, हमेशा ध्यान रखें कि बीम की मिडल थर्ड पोजीशन में ही लैपिंग होनी चाहिए। 61, हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बीम और कॉलम के सेंटर में लैपिंग नहीं प्रोवाइड की जाती। 62, बीम में बार की लैपिंग अल्टरनेट होनी चाहिए। 63, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 लैपिंग लेंथ कभी भी 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 64, मैक्सिमम लैपिंग इन ए जोन, एक जोन में कभी भी 50% से ज्यादा बार लैपिंग नहीं होनी चाहिए और किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में 50% से ज्यादा लैपिंग जोन नहीं होने चाहिए। 65, लैपिंग इन टेंशन जोन, टेंशन जोन में कभी भी आपको लैपिंग नहीं देनी चाहिए। 66, लैपिंग इन कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन के लिए हमेशा लैपिंग 50D होती है। 67, लैपिंग अलाउड, 36 mm से ज्यादा बार डाया से लैपिंग अलाउड नहीं होती। 68, बेंट अप बार्स, स्लैब और बीम के सपोर्ट्स के पास
हमेशा बेंट अप बार्स प्रोवाइड करने चाहिए, ये वाले। 69, बीम और कॉलम्स में टाइज और स्टीरप्स क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? तो बीम और कॉलम में टाइज और स्टीरप्स प्रोवाइड की जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स को अपनी पोजीशन पर होल्ड रखने और शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। 70, स्टीरप्स हुक लेंथ, ये वाली लेंथ। एक साइड के लिए स्टीरप्स में हुक की लेंथ कभी भी 90 से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें डी होता है डाई ऑफ बार। 71, हुक्स एंगल ऑफ स्टीरप, स्टीरप्स में हुक का एंगल 135 डिग्री होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 72, बेंड फॉर वर्टिकल बार ऑफ कॉलम, हमेशा याद रखें कि कॉलम के वर्टिकल बार्स को ही लॉन्गिट्यूडनल बार्स कहा जाता है और लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमेशा 90 डिग्री पर बेंड होना चाहिए और यह बेंडिंग लेंथ कभी भी 18 इंच और 1.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, ये वाली लेंथ। 73, कैंटिलीवर बीम, यह कैंटिलीवर बीम क्या होता है? हमेशा याद रखें कि जिस बीम का एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है उसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। 74, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? तो जिस बीम के दोनों एंड सपोर्ट से फिक्स रहते हैं उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। और नंबर 75, टाइप्स ऑफ स्लैब, जिसमें पहली है वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में लॉन्गर स्पैन का रेशो शॉर्टर स्पैन के रेशो से या तो इक्वल होता है या ग्रेटर देन 2, जिसकी स्पैन की डायरेक्शन सिर्फ एक साइड ही होती है। और सेकंड है टू वे स्लैब, और टू वे स्लैब में लॉन्गर स्पैन का रेशो शॉर्टर स्पैन के रेशो से या तो कम होता है या लेस देन 2, इस स्लैब की स्पैन दोनों डायरेक्शन में होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है स्टील रिइंफोर्समेंट के 75 मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक पॉइंट जो हर सिविल इंजीनियर को जरूर पता होने चाहिए। तो आई होप के दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आएगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस। थैंक्स फॉर योर ग्रेट अटेंशन। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।